हेलो प्यारे मित्रों, मैं शशांक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लेक्स कोचिंग में। तो थंबनेल देख के आज आपको पता चला होगा कि हम लोग करंट अफेयर की कौन सी क्लास लेने वाले हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है राज्य और राज्यपाल। तो आज हम लोग बात करेंगे राज्य और उनके राज्यपाल कौन कौन है, कौन से राज्य के कौन राज्यपाल है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, यूपीपी के एग्जाम फिर से होने वाला है, तो आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। तो उन सब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं। तो आज हम लोग की जो क्लास है वो है राज्य और राज्यपाल पर। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट में। आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल ये आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, आनंदी बेन पटेल। क्वेश्चन नंबर दो है, डियर स्टूडेंट, प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसका आंसर मैं आप लोग आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर को देते रहिएगा कि आपको कौन से राज्य के राज्यपाल का नाम याद है और कौन से राज्य के राज्यपाल का नाम नहीं याद है। तो इससे आपको पता चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल कौन है? असम, असम के राज्यपाल कौन है प्यारे मित्रों? गुलाब गुलाब चंद, गुलाब चंद कटारिया, कटारिया ये आपके असम के राज्यपाल हैं, गुलाब चंद कटारिया। अब क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं प्यारे मित्रों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अब यहां पे हमको जानना है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, एस अब्दुल, एस अब्दुल नजीर, नजीर ये आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, एस अब्दुल नजीर। देखिए, राज्यपाल को याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम आपके होंगे, चाहे यूपीपी के हों, चाहे आरओ एआरओ के हों, एसएससी जीडी के हों, कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें राज्यपाल तो पूछ ही लेता है। जैसे अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ था तो उसमें उत्तर प्रदेश के ही राज्यपाल को पूछ लिया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है प्यारे मित्रों आते रहते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग तैयार करेंगे मिलके और अच्छे नंबर से हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। और जो आपका चैनल है फ्लैक्स कोचिंग का, उस चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहे प्यारे मित्रों। तो वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस पूरे क्लास की जानकारी उपलब्ध होती रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर चार पर आते हैं प्यारे मित्रों, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा, 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 उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो प्यारे मित्रों, रघुवर दास, श्री रघुवर दास, श्री रघुवर दास ये उड़ीसा के राज्यपाल है, ठीक है ना? रघुवर, रघु के दास, ठीक है, रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास, एक तरीके से भगवान के दास, ठीक है। तो ये हो गए श्री रघुवर दास आपके उड़ीसा के राज्यपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच पर आते हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत, डियर स्टूडेंट, प्यारे मित्रों, गुरमीत, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह प्यारे मित्रों ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, मैं आपको यहाँ पे उत्तर उपलब्ध कराता रह रहा हूं, आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है। गुरमीत सिंह ये आपके उत्तराखंड के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों। और क्वेश्चन नंबर छह पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, गहलोत थावर चंद्र गहलोत ये आपके कर्नाटक के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों। मजे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाने वाले हैं, अच्छे मार्क्स दिलवाने वाले हैं।
तो करंट अफेयर की क्लास अपनी डेली रहती है, डेली डेली आपको अपडेट, नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए अपडेट जो हम रोज डेली आपको अलग अलग करंट अफेयर की क्लास में देंगे वो आप तक उपलब्ध होती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों। और क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं, तो गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा, गोवा, गोवा क्या करने लोग जाते हैं? एंजॉय करने जाते हैं ना गोवा, है वहां थोड़ा सस्ता वस्ता मिलता है, लोग पीते हैं, खूब मजा करते हैं। तो गोवा के राज्यपाल की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर जाना होगा तो चले जाना यार, एंजॉय करके आना, गोवा में बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैं तो अभी कभी गया नहीं, मौका मिलेगा तो जाऊंगा। ठीक है, गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन, प्यारे मित्रों पी एस श्रीधरन, श्रीधरन श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई, ये आपके गोवा के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राजपाल है। पिल्लई शब्द सुन रहे हो, पिल्लई, पिल्लई मतलब यार पीलिए बहुत होंगे तभी ना नाम पड़ गया होगा पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, केरल के राज्यपाल कौन है? केरल, केरल यहाँ पे बड़ा मशहूर है केरल ना, किसके लिए मशहूर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केरल क्यों मशहूर है, और मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि केरल क्यों मशहूर है। पहले आप लोग उत्तर दे दीजिएगा कि केरल क्यों प्रसिद्ध है, किस बात के लिए केरल प्रसिद्ध है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ, आरिफ मोहम्मद, मोहम्मद खान, ये आपके केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं प्यारे मित्रों, गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 पे, गुजरात के राज्यपाल कौन है प्यारे मित्रों? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य, आचार्य देव व्रत, वाह भगवान का जो व्रत करे आचार्य हो जाता है। ठीक है, भगवान का जो व्रत करे वो क्या हो जाता है? आचार्य। तो यहाँ पे क्या हो गया? आचार्य देव व्रत, ये किसके राज्यपाल हैं? गुजरात के। गुजरात तो बड़ा फेमस हो गया ना इस समय, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुजरात इसमें डेवलप बहुत तेजी से कर रहा है। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है प्यारे मित्रों? आचार्य देवव्रत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन जितने भी मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा, राज्य और राज्यपाल के नाम आपको मिलता रहेगा, अगर कोई ऐसा राज्य हमसे छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे राज्य के राज्यपाल आपको बता दे, चाहे जो वो जो केंद्र का है और जो राज्य का है, केंद्र शासित जो है उनके भी राज्यपाल को मैं आपको बताऊंगा। चलिए और इसमें बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर, झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल का नाम है सीपी, सीपी, सीपी राधा कृष्णन, कृष्णन, ये आपके झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं प्यारे मित्रों, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है विश्व, विश्वा उनको पढ़ते हैं, विश्व भूषण, विश्व भूषण हरि चंदन, वाह नाम तो बड़ा प्यारा है भाई, विश्व भूषण हरिश्चंदन, पूरे विश्व का आभूषण इनके पास है। ठीक है, और ये हरिश्चंदन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है मित्रों, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? उनका नाम है आर एन रवि, ये तमिलनाडु के राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, पंजाब के राज्यपाल कौन है? उनका नाम है प्यारे मित्रों बनवारी, अरे वाह बनवारी, बनवारी किसको कहते थे कमेंट बॉक्स में बताइए, बनवारी कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब शादी में बिना पुरोहित के काम तो चलता नहीं है,
तो इसलिए पुरोहित भी यहां पे जुड़ गए हैं, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये आपके पंजाब के राज्यपाल हैं। शादी वादी होती है तो पुरोहित रहते हैं ना, तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, पुरोहित कहां? पंजाब। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं प्यारे मित्रों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? बड़ा फेमस राज्य है यार पश्चिम बंगाल, हमेशा किसी ना किसी बात पर चर्चाओं में रहता ही रहता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है सीबी, क्या नाम है मित्रों? सीबी आनंद बोस। आनंद बोस, एक अपने और बोस थे, उनका नाम क्या था? क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस, वो भी पश्चिम बंगाल के थे। और यहां पे आप जान लो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस। ठीक है, और अपने जो पुराने वाले बोस थे वो भी आपके पश्चिम बंगाल के थे। तो डियर मित्रों, प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम लोग और आगे के राज्य और उनके राज्यपाल की बात करते हैं। इसको आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्यारे मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले राज्य और उनके राज्यपाल को जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य और उनके राज्यपाल कौन है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग पूरे क्वेश्चन का करते रहिएगा, क्योंकि लिखने में ज्यादा समय लगेगा आपको, तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है प्यारे मित्रों तमिल साई सुंदर राजन। वाह, क्या नाम है! तमिल साई सुंदर राजन, तेलंगाना। तेल लगा के सुंदर बन जाओ, तेल लगा के क्या बन जाओ? सुंदर। तो हो गया तमिल साई सुंदर राजन, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अभी मध्य प्रदेश बहुत चर्चाओं में था, ठीक है, मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है छगन भाई पटेल। ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये आपके बिहार के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान कलराज मिश्र, ये आपके राजस्थान के राज्यपाल हैं। थोड़ा राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो मिश्रा जी थोड़ा सा सावले उले हो गए होंगे, तो इसलिए हो गए कलराज मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं प्यारे मित्रों, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, कंभमपति ये मिजोरम के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो उनको हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो ला गणेशन
ये आपके नागालैंड के राज्यपाल है। नागा, नागों की पूजा होती है, इसकी नाग देवता, नाग देवता की पूजा होती है प्यारे मित्रों। तो नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, क्योंकि नाग मतलब शंकर भगवान और गणेश उनके पुत्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया नागालैंड के राज्यपाल। थोड़ा सा ट्रिक को समझिएगा, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड मतलब नाग देवता और उनके पुत्र कौन हो गए? शंकर भगवान के गणेश जी। ठीक है, तो यहाँ पे ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल कौन है? ये तो थोड़ा सा हमारे गांव वाले दिखते हैं, फागु चौहान। ठीक है, फागु चौहान, ठीक है, ये आपके कहां के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों? मेघालय के राज्यपाल हैं फागु चौहान। मेघालय के राज्यपाल हैं फागु चौहान। और क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, इनका नाम है नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। इंद्र भगवान तैयार हो गए हैं, इंद्र भगवान बारिश करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हो गया आपका नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम हम लोग जानते हैं कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है, इनका नाम है प्यारे मित्रों अनुसुईया उइके। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, इसमें जो केंद्र शासित राज्य है उनके भी राज्यपाल को हमने दर्शाया है। तो अगर आपको कहीं डाउट होगा कि कौन कौन सा केंद्र शासित राज्य है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से आपको वीडियो, उसका अलग से क्लास उपलब्ध करा दूंगा कि आपके जो केंद्र शासित राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो मैं उनको आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें आपको पूरा राज्य और उनके राज्यपाल की जानकारी मैं इस क्लास में आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट रहे प्यारे मित्रों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये आपके सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, हिमाचल के राज्यपाल कौन है? हिमाचल बड़ा अच्छा प्रदेश है, मजा आती है जाने पे। हिमाचल के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल के राज्यपाल क्वेश्चन नंबर 25 था, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर हमको आना चाहिए था, हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चले गए थे, क्षमा करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ये आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। हिमाचल के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, अच्छा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, एंजॉय करने जाइए आप लोग। हिमाचल के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल के राज्यपाल है क्वेश्चन नंबर 27 है प्यारे मित्रों, हिमाचल के राज्यपाल कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। ये आपके हिमाचल के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली, आपके दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ये आपके दिल्ली के राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। तो देर ना करते हुए प्यारे मित्रों, दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट लीजिए,
तो प्यारे मित्रों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके राज्य और राज्यपाल की जानकारी लेते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, एनर्जी के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, एकदम जोश के साथ पढ़िए और एग्जाम को क्रैक करके आइए। और ये सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के मैं आपको डेली डेली उपलब्ध कराता रहूंगा, तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नए नए अपडेट 100% मैं लाके उपलब्ध कराता रहूंगा। तो देर ना करते हुए चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले राज्य और उनके राज्यपाल की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पुंडुचेरी के राज्यपाल कौन है? तो पुंडुचेरी के राज्यपाल आपके है तमिल साई सुंदर राजन पुंडुचेरी के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों। तो हम लोग चलते हैं अपने इसके उत्तर के पास थोड़ा जगह कम है तो फिर से मैं इसको लिख देता हूं, तमिल साई सुंदर राजन। तो प्यारे मित्रों तमिल साई सुंदर राजन जो है ये आपके पुंडुचेरी के राज्यपाल हैं और ये तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। तो इनको कार्यभार पुंडुचेरी का भी दे दिया गया है कि आप थोड़ा पुंडुचेरी का भी कार्यभार संभाल लीजिए, बड़े अच्छे हैं इसलिए मतलब तेज होंगे तभी ना दो दो राज्य के राज्यपाल बना दिए गए। ठीक है, कार्यभार संभाल रहे हैं इस समय पुंडुचेरी के भी तमिल साई सुंदर राजन ये आपके पुंडुचेरी के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है? चंडीगढ़ के राज्यपाल को हम लोग जानते हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये इस समय चंडीगढ़ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं प्यारे मित्रों, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कौन है? बड़ी सुंदर जगह है मित्रों जम्मू और कश्मीर, चाहो मैं तो एक बार घूमने गया था, बड़ा आनंद आता है। तो आप लोग जाइए और एकदम सुंदरता देखिए, प्रकृति की सुंदरता, जम्मू और कश्मीर जाइए और खूब अच्छे से कभी घूम के आइए, क्योंकि राज्य भी घूमना बहुत जरूरी है। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम को हमें क्रैक करना है, तो थोड़ा सा घूम भी लिया करिए, जान भी लिया करिए कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो ये थोड़ा सा हमारे पड़ोसी हैं, मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, वहां के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी इस समय जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं प्यारे मित्रों, दमन और दीव के राज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल मतलब खुश हो जाते हैं यार, एकदम प्रफुल्लित रहते हैं हमेशा। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल ये इस समय दमन और दीव के राज्यपाल है प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? पिक्चरियम खुद देखते होगे ना लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से आया मेरा यार। ठीक है, तो लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। ठीक है प्यारे मित्रों, बीडी मिश्रा ये लद्दाख के राज्यपाल हैं। बड़ा बहुत डरते होंगे मिश्रा जी, लेकिन नहीं डरते होंगे यार, राज्यपाल है, राज्यपाल खुद ही सबको डरा दे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है? प्यारे मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोड़ दिया था, अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है? प्यारे मित्रों थोड़ा सा गलती हो जाती है यार, ठीक है, मैं भी इंसान हूं। अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है प्यारे मित्रों डीके जोशी अंडमान निकोबार के राज्यपाल हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम थोड़ा सा बड़ा है प्यारे मित्रों, और इनके बारे में मैं बता दूं तो ये सेना से रिटायर्ड है और हम आपको यहाँ पे नाम लिख के बताएंगे। इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ,
तो ले डैश जन कैल त्री विक्रम पर नाइक। तो ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, तो इनका नाम जो है ले जन कैवलय त्रिविक्रम परनाइक, थोड़ा सा नाम बड़ा है, और ये सेना से रिटायर्ड है। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि सेना से रिटायर्ड लोगों को भी राज्यपाल बना दिया जाता है, तो ये सेना से रिटायर्ड है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। तो इनका जो ये हमने लिखा है ले जन, तो लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवलय त्रिविक्रम परनाइक, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है, लास्ट है आपका ये, इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रफुल्ल पटेल आपके लक्षद्वीप के राज्यपाल हैं और प्रफुल्ल पटेल दमन और दीव के भी राज्यपाल है, ठीक है ना। तो जैसे इनको दोनों जगह का कार्यभार दिया गया और ये दोनों जगह के कार्यभार को संभाल रहे। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो पूरा राज्य और उनके राज्यपाल पर थी, और इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके भी राज्यपाल की जानकारी हमने आपको उपलब्ध करा दी है। और बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए वीडियो पर बने रहिए, चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहे प्यारे मित्रों। और मैं अब अगली क्लास लेके आपको नए क्लास में मिलता हूं करंट अफेयर की नई जानकारी के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद प्यारे मित्रों।